नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। मैं सतीश दया आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं। हमने जनरल साइंस में टॉपिक आनुवंशिकी को प्रारंभ किया था। हमने कहा था आनुवंशिकी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा हमने? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। और आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक मॉडल जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता बैटसन को कहा जाता है। प्रश्न आता है यहां से कि आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? बैटसन को कहा जाता है। और आनुवंशिकी के लिए मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मटर पर। कौन सा मटर? उद्यान मटर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। उद्यान मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने तीन नियम दिए आनुवंशिकता के संबंधित। मेंडल ने तीन नियम दिए। पहला नियम क्या था वो समझना। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इस नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार जो गुण प्रभावी होते हैं वे अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में दर्शाते हैं, और जो गुण प्रभावी नहीं होते वह F2 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते। आपने देखा होगा कि अधिकांश बच्चे हैं उनकी आंखों का रंग काला होता है, क्योंकि काला रंग क्या होता है? प्रभावी होता है। लेकिन कुछ बच्चों की आंखें होती है वो नीली होती है, क्योंकि नीला रंग उसका अप्रभावी है। लेकिन कभी कभी अप्रभावी भी क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। और आपने देखा होगा बाल कैसे होते हैं? काले बाल होते हैं। सिर पर जो बाल है वो क्या होते हैं? काले होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के बाल होते हैं वो लाल होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का गुण है वो प्रभावी हो जाता है, इसलिए उसके रंग बाल कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो गुण प्रभावी है वो F1PD में अपना प्रभाव दर्शाएंगे, और जो गुण अप्रभावी है वह अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते। दूसरा नियम कौन सा हो गया, समझना मेरी बात को, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार F1PD में प्रभावी व अप्रभावी दोनों जीन साथ साथ रहते हैं। आपको पता है F1PD में T और T प्राप्त होता है, प्रभावी जीन लंबा व अप्रभावी जीन बौना। F1PD में प्रभावी व अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ रहते हैं, और प्रभावी जीन अपना प्रभाव दर्शाता है, अप्रभावी जीन अप्रभावी रहता है। लेकिन F2PD में प्रत्येक जीन्स अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने प्रभाव को दर्शाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझदा वापस, इस नियम के अनुसार F1PD में प्रभावी व अप्रभावी जीन साथ साथ रहते हैं और अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन F2PD में दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने प्रभाव को स्वतंत्र रूप से दर्शाते हैं। तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। यह भी समझना, यह नियम किस पर आधारित है? द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1PD में प्रभावी व अप्रभावी दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही अलग होते हैं स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। पृथक होने के बाद स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और आनुवंशिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखते हैं। समझना मेरी बात को, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखना बोर्ड पे ध्यान से। आनुवंशिकता से संबंधित बनने वाले प्रश्न बोर्ड पे देखना, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपके सामने मैं 5 क्वेश्चन दूंगा। आप लास्ट क्लासों में पढ़ा था उसके हिसाब से आप 5 क्वेश्चन समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से रीट पटवारी अनेक कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना, फटाफट इन प्रश्नों को देखें, उनको आंसर करने की कोशिश करें।
अलग अलग युग्मक वाले जीव को विषम युग्मकी कहते हैं। राइट आंसर सी, नौ प्रकार के। राइट आंसर डी, सहलंगता का नियम। मानव में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को हेटेरोसोम कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया तथा मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग का अनुपात 12:24:12:12:1। प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना बैक क्रॉश। यहां से काफी बार प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस यानी बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। तो संक्रमण पूर्वज शंकर, संक्रमण पूर्वज शंकर, संक्रमण पूर्वज संक्रमण, संक्रमण पूर्वज संक्रमण का मतलब क्या है, संक्रमण से पहले का संक्रमण, संक्रमण से पहले का संक्रमण। अर्थ समझना, संक्रमण से पहले का संक्रमण, समझना यहां से क्या कहता है, संक्रमण के पहले का संक्रमण। प्रश्न पहले बात समझना क्या होता है, अगर F1PD का आपको पता है, F1PD ये आई थी, अगर F1PD का क्रॉस, F1PD के संतति या जनक का क्रॉस, F1PD के जनक का क्रॉस, F1PD के संतति का, संतति माने F1PD के संतति का क्रॉस, जो F1PD प्राप्त हुई, मैं, मेरी जो बच्चे हुए, प्रथम पीढ़ी हुई, तो F1PD के संतति का क्रॉस अगर पीछे जनक के साथ करवाया जाए, प्रभावी या अप्रभावी, किसी दोनों में से एक जनक के साथ करवाया जाए, तो जो क्रॉस होता है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। समझना, वापस परिभाषा क्या होगी, F1PD के संतति का क्रॉस, F1PD के संतति का क्रॉस जनक के, जनक कौन से, प्रभावी या अप्रभावी, F1 जनक प्रभावी या अप्रभावी के साथ करवाया जाए तो उसे संक्रमण पूर्वज संक्रमण कहते हैं। प्रश्न क्या आता है इसमें से, समझना प्रश्न ध्यान से देखना, ये वाला कि क्या प्रश्न पूछा जाता है संक्रमण पुरुष संक्रमण में, आप समझना मेरी बात को। यहां से जो प्रश्न बनता है वो हम देखेंगे, प्रश्न करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमने टी और टी का क्रॉस, अगर F1PD है टी और टी का क्रॉस किसी प्रभावी जनक के साथ करवाए या अप्रभावी जनक के साथ करवाए तो क्या होगा, प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करवाए तो F1PD में क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, तो जो इसकी संतृप्ति प्राप्त होगी उसमें टी 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 टी
टी टी, तो 50 अनुपात 50, तो इनका अनुपात होगा 1:1, इनकी संतति का अनुपात 1:1, लक्षण अनुपात क्या होगा 1:1, और जीन अनुपात भी क्या होगा 1:1, इनका जीन अनुपात भी 1:1 होता है और लक्षण अनुपात भी 1:1 होता है। इससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं वो प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न क्या आते हैं, प्रश्न को हम करेंगे उसके बाद आगे देखते हैं बैकक्रॉस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करें उसके बाद हम आगे देखते हैं। बैक क्रॉस में जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात 1:1 होता है। बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का प्रभावी व अप्रभावी दोनों जनकों के साथ क्रॉस करवाया जाता है। बैक क्रॉस के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा समझना मेरी बात को, अगला क्रॉस होगा टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस के बाद अगला क्रॉस होगा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, परीक्षण संकरण, इसे क्या बोलते हैं परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस का मतलब है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस की बात समझना, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा परीक्षण संकरण। इसमें क्या होगा समझना मेरी बात को, जो F1PD है, F1PD की संतति का क्रॉस, F1PD की संतति का क्रॉस, F1PD की संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए। अगर अप्रभावी या प्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाए तो बैक क्रॉस, और केवल अप्रभावी संतति के साथ करवाया जाए, केवल अप्रभावी संतति के साथ करवाया जाए तो इसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, अप्रभावी संतति के साथ, जैसे टी और टी, F1PD हो गई, इसके अप्रभावी जनक हुए टी और टी, इसके साथ जो क्रॉस करवाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। जो अनुपात आएगा वो क्या होगा 1:1 आएगा, क्या आएगा 1:1। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रॉस में F1PD का केवल अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, और देखिए इसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक है अपना अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है, यह अपूर्ण प्रभाविता है वो मेंडल के नियम का अपवाद है, ये भी समझना, मेंडल के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब हुआ कि यदि F1PD के संतति के लक्षण जनक से ना मिलकर कोई नया लक्षण प्राप्त हो तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब इसमें जो लक्षण होते हैं वो संतति के जो लक्षण है वो जनक से नहीं मिलते, जनक से ना मिलकर कोई नया अप्रभावी लक्षण क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, नया लक्षण प्राप्त होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यह मेंडल के नियम का अपवाद है, समझना, यह मेंडल के नियम का अपवाद है। कैसे, यदि
यह अपूर्ण प्रवाहिता कौन दर्शाता है, समझना मेरी बात को। मेडन के नियम का अपवाद किसमें है, अपूर्ण प्रवाहिता किस में दर्शाई जाती है? एक तो मीराबिलस जलापा में, मीराबिलस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाया जाता है। और दूसरा स्नैप ड्रैगन में भी अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाया जाता है। प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा पादप अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है? मीराबिलस जलापा में, मटर वगैरह वगैरह। तो आपका आंसर क्या होगा, मीराबिलस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित किया जाता है। अपूर्ण प्रभाविता किस में प्रदर्शित होगी, मीराबिलस जलापा में। अपूर्ण प्रभाविता में क्या है, यदि लाल पुष्प का संकरण आर रेड को क्या लिख दिया, आर कैपिटल आर का सफेद पुष्प, रेड पुष्प का संकरण सफेद पुष्प के साथ करवाया जाए, कौन सा, स्मॉल आर। तो जो F1PD होगी उसमें क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें जो गुण है वो प्रभावी गुण अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा और नया लक्षण प्राप्त होगा, कैसा पुष्प, गुलाबी पुष्प, लाल और सफेद दोनों से हटकर नया लक्षण प्राप्त हुआ, कौन सा, गुलाबी। इस प्रकार यह अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। आज की क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सह प्रभाविता और अगले कुछ टॉपिक्स।